शुरुआत करते हैं आपसे, ठीक है? ठीक है, हाँ। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या है जो कभी कभार होता है ना, आपको सैलून जाने का टाइम नहीं है, कभी आप रात को फ्री हुए हैं, सैलून खुला हुआ नहीं है उस वक्त, तो कभी घर में बैठ के मियाँ बीवी खुद दोनों लगा के बैठ जाते हैं। मैं तो अपने मियाँ को भी लगा देती हूँ, ये लो बेसन लगा लो मुझे, तुम भी हम लोग साथ एक साथ बैठे हुए होते हैं। हाँ, भाई तुमसे भी पूछेंगे ना कि तुम क्या करती हो। अच्छा, वो एक तो ये है कि मेकअप करने के बाद क्लेंजिंग बहुत अच्छी जरूरी है, अच्छी करना। तो उसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मैं करती हूँ। अच्छा, आपकी ड्राई स्किन है? नहीं, मेरी ड्राई नहीं है, मगर क्लेंजिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए बहुत क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, ऑलिव ऑयल से आप अच्छी तरह से क्लेंजिंग करें, फिर किसी भी अच्छे फेस वॉश से मुंह धो लें, उसके बाद रोज वाटर थोड़ा सा लगा लें, स्किन बड़ी फ्रेश हो जाती है। मैं रोज वाटर बहुत लगाती हूं, मुझे भी बहुत मजा, बहुत पसंद है, गर्मी में और इतना अच्छा लगता है, अच्छा ठंडा ठंडा सा फील होता है ना। और फिर मैं तो नॉर्मल कोई भी कोल्ड क्रीम लेके वो लगा लेती हूँ, मैं कोई महंगी क्रीमें यूज नहीं करती। अच्छा, ये कि दो चार चीजें मैं ऐसी अपने देखने वालों के लिए बताना चाहूंगी कि एक बड़ा अच्छा मास्क है मेरी, असल में मैं दूर से आई हूँ तो मेरी सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास। हाँ। तो वो ये है कि एक तो एक होते हैं फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के बीज कहलाते हैं, वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके आप उसको क्या करें कि उसको कोई एक दो टेबलस्पून लेके और थोड़े से पानी में उसको बॉईल कर लें। ओके। और उसका जब इतना बॉईल करें कि जेल टाइप हो जाता है, बन जाता है। हाँ, इस तरह जेल जेल बन जाता है। फिर उसको आप छान लें किसी बारीक से कपड़े में डाल के, उसको बेस्ट है कि पुरानी स्टॉकिंग्स होती है ना उसमें कर लें, तो बदबू ना आती हो, जिसे बदबू ना तो ले में। हाँ, उसमें से वो जिसका एक गुम गया है ना और दूसरा एक बचा रह गया, उसको अच्छी तरह से यूं करके फिर उसका वो जेल निकल आता है। उस जेल को आप एक बॉटल में करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, 4 वीक्स तक वो ठीक रहता है। अच्छा। उसके बाद उसमें से आप थोड़ा सा लें, अगर आपने उसको फेस पे लगाना है तो उसमें आप थोड़ा सा विटामिन सी सीरम मिक्स करके, अच्छा, या वैसे भी टैबलेट्स भी आती है, सीरम भी आता है, सीरम भी, वो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो डाल सकते हैं, वो लगा लें फेस पे, फेस मास्क बन जाता है वो। और अगर आप उसको बालों में लगाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लें, ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें, और वो आप अपने बालों में लगा लें, एक दो घंटे छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें, उससे बड़ी अच्छी आपकी उस पर शाइन आती है, बालों पे शाइन आती है, शाइन आती है, स्मूथ बहुत हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मोरिंगा जो होता है, मोरिंगा तो हिट चल रहा है, मोरिंगा की आप चाय बना के पी लें, उसके जो पत्ते हैं उसकी, वो आमतौर से जो जिन खवातीन को मेनोपॉज की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसमें वो एसिड होता है जो कि आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, उसमें एस्ट्रोजन वगैरह होता है, तो वो आपको बहुत फायदा करता है। लोग कहते हैं मोरिंगा का पाउडर जो है वो खानों पे भी आप डाल सकते, खानों पे डाल के, दही पे भी डाल, इसी तरह जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी आप सैलेड में डाल के, अपने सीरियल में डाल के, पता है पूरी दुनिया में मोरिंगा इतना महंगा है लेकिन यहाँ जड़ी बूटी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो मिलता है और इतना महंगा भी नहीं है, तो मोरिंगा बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फेस मास्क है जो कि कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, जो कि विच इज़ वेरी गुड। उसमें यह है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं, और कोई महंगी क्रीमें मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती। उसमें यह कि केले का छिलका, अच्छा, एक छिलका ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून कोई चावल ले लें, और उसको फिर आप कच्चे चावल लेके उसको उबाल लें, ठीक है, इतने कि वो चावल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद उनका एक मिक्सर बना के और उसको आप छान लें, और उसके बाद आपने कहा केले का छिलका लें, हाँ, केले का छिलका और चावल उबाल लिया, दोनों को मिला के, दोनों को मिला है, मिला के, हाँ, केले को छिलके को भी उबालेंगे क्या? हाँ, उसको बारीक बारीक काट लें, हाँ, उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, अच्छा, उसके बाद मिक्सचर सा बन जाएगा, उसके बाद उसको छान के और उसको ना आप फेस पे लगाएं, वो भी आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर रख सकते हैं तो कई दिन तक ठीक रहता है। आपने कहा चावल और केले के छिलकों को मिक्स करके उबाल लें और उसको छानने के बाद फिर आप उसको फेस पे लगाएं, फेस पे लगाएं, उससे क्या फायदा होता है? उससे ये होता है कि आपकी स्किन टाइटनिंग होती है और उसके आपकी स्किन में ग्लो आती है और स्मूथ होती है। मुझे नहीं, तो उसका पानी लगाना है या वो जो पानी पेस्ट बना ले उसकी, वो उसके एक वो बन जाएगा थिक सा पेस्ट, अच्छा, बन जाएगा, ठीक है, उसको छान के जब आप लेंगे ना थिक सा बन जाएगा उसको, लाइक फेस पैक बन जाएगा वो। जैसे केले के छिलके लिए आपने आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कच्चे चावलों के साथ मिलाया, उबाल लिया दोनों, तो वो भी मैश हो जाएगा छिलके का और चावल भी, वरना ब्लेंडर में आप एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके और उसको फिर छान,
उसके बाद फिर उसको आप अपने फेस पे लगाइए, फेस बहुत अच्छा मास्क बनता है उससे, ये और इससे बड़ी अच्छी स्किन आपकी हो जाती है। वेरी नाइस। हाँ, तो ये जरूर ट्राई, जो इतने महंगे महंगे मास्क मिलते हैं ये सब इसी तरह की चीजों से मिला होते हैं। फिर बालों के लिए प्याज का पानी बहुत अच्छा है, ये बाल गिरते हैं। और वो सुनिए तो उसकी बदबू आती, तारिक साहब बर्दाश्त कर लेते हैं, ये बताएं मुझे उसका राज बताएं। आल्सो इट प्रिवेंट्स एजिंग एंड ग्रेइंग बालों का, प्याज का पानी, प्याज का पानी और रीग्रोथ हो जाता है। नो आई हैव ट्राइड इट, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ना, मैं क्योंकि इसे स्नैच लुक्स करती हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे बाल गिर गए थे, तो मैंने कहा अब मैं लगाऊंगी। मैंने रिलीजियसली इसको लगाया 15 से 20 दिन, एंड देन वाकई मुझे विजिबल निकल आते हैं। मैं बताऊं इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे मियां तो कहते हैं कि हटो मेरे पास से, दूर दूसरी जगह सो, तकिए में बदबू रह जाती है। तो आप 20 मिनट्स लगाए ना, लगा के ना सोए, 20 मिनट्स लगा के नहाने से पहले लगा लेने से पहले लगा। एंड मुझे ये लगता है क्योंकि वो लगाने के बाद अपने आप को इतनी ज्यादा आती है कि नहाने के बाद भी फील हो रहा है आ रही है, जबकि नहीं आती वो हमें आ रही है, वो हम इतने मून हो चुके हैं, नहा लो ना उसके बाद नहीं आती। और उसमें बेशक थोड़ा सा नींबू डाल लो तो फिर उसकी स्मेल चली जाती है। ये अच्छा आइडिया है, नींबू या कीनू का छिलका, या कीनू का छिलका, ये भी अच्छा। और एक इसका ये कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको लगा कि आपके हाथ तो बड़े काले काले लग रहे हैं, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि नींबू लेके ना उसको काट के उसके ऊपर चीनी डालें, शक्कर शुगर जो होती है, और उसको ना अच्छी तरह से रगड़ें, स्क्रब हो जाता है, तो उससे आपके एकदम से हाथ चमक जाते हैं।